Now we discuss the questions related to the average velocity. Okay. Now in the last class what we have discussed, average velocity is total displacement upon total time taken. That ratio is called average velocity. And what is the average speed? That is total distance upon total time taken. Okay, so that is average speed. Now we are taking a question situation in which we have calculated the both average speed and average velocity. This is, for example, an object revolve around a circular path of radius 14 meter. An object revolve around a circular path of radius 14 meter and completes 3.5 laps in 50 minutes. Completes 3.5 laps in 50 minutes. Calculate average velocity and average speed of an object. ऑब्जेक्ट जो है वो 3.5 लैप्स कंप्लीट कर रहा है 50 मिनट में, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, उसका एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और उसका एवरेज स्पीड क्या करना है, कैलकुलेट करना है. नाउ टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड यू जस्ट कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस, एंड टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी जस्ट कैलकुलेट द टोटल. एवरेज स्पीड के लिए आप क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस, और एवरेज वेलोसिटी के लिए आप क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो फर्स्ट टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब आपको टोटल डिस्टेंस चेकआउट करना है 3.5 लैप में, 3.5 रिवॉल्यूशन किए उसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द डिस्टेंस travel by object in one lap, that is 2 pi r, that is a circumference of the circle, क्योंकि यहां से शुरू हुआ एक पूरा revolution किया तो ये distance हो जाएगा 2 pi r. so in 3.5 laps कितना हो जाएगा distance, 2 pi r into 3.5, so that is 7 pi r. कितना हो जाएगा, 7 pi r, 2 pi r into 3.5, that is 7 pi r. ठीक है, तो 7 into pi की वैल्यू 22 by 7, r की वैल्यू है 14, तो ये कैंसिल हो गया 2, तो ये हो गया 22 into 14. ठीक है, तो आपका 308 meter. कितना हो जाएगा, 308 meter, that is a total distance. ठीक है, अब total distance के बाद हम total displacement check करें, तो जैसा कि हमने इस तरीके का question पहले भी discuss किया है, तो complete जब revolution होगा तो displacement क्या है, zero. एक पूरा revolution जब complete करेगा तो डिस्टेंस तो 2 पाई आर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ऑब्जेक्ट का, जीरो, एक पूरे रिवॉल्यूशन, क्योंकि यहां से शुरू हुआ जैसे यहां आया एक रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है. फिर दूसरा रिवॉल्यूशन किया तब भी आपका डिस्प्लेसमेंट सेम है, फिर तीसरा रिवॉल्यूशन किया तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, क्योंकि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है. लेकिन जैसे ही 3.5 लैप किया यहां पहुंचा, आधा लैप हुआ, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये उसकी क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी दिस डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 into r, दैट इज 2 into 14,
दैट इज 28 मीटर सेंटी. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हुआ जर्नी का 28 मीटर और टोटल डिस्टेंस क्या हुआ 308 मीटर. टाइम आपको दिया हुआ है दैट इज 50 मिनट. सो टाइम कैलकुलेट करेंगे 50 मिनट सो इसको सेकंड में कन्वर्ट करा तो 50 × 60 दैट इज 3000 सेकंड्स. सो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और एवरेज. टोटल डिस्टेंस आपका 308 टोटल टाइम है 3000 सेकेंड. ठीक है ये हो गया मीटर पर सेकेंड. इसको सॉल्व आउट करेंगे दैट विल गिव द एवरेज स्पीड. ठीक है और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट है 28 और टाइम है 3000 सेकंड्स. तो ये हो जाएगा इज इन मीटर पर सेकंड. सो दैट इज अ वे टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन. इज दैट क्लियर. Any doubt? Any doubt? Clear हुआ ये situation समझ में आया कैसे calculate करना है. Now we discuss the relation between as we discussed that SI unit of speed and velocity is meter per second but other units जो होती हैं वो क्या होती हैं किलोमीटर पर आर भी ले सकते हैं मीटर पर मिनट भी ले सकते हैं किलोमीटर पर मिनट भी ले सकते हैं but standard unit जो speed और velocity के लिए in general questions में बोली जाती हैं वो क्या होती हैं मीटर पर second और किलोमीटर पर आर. तो हमें इन दोनों units के अंदर क्या करना है relation बताना है. So conversion the speed in a meter per second to kilometer per hour or kilometer per hour to meter per second. ठीक है? So convert 1 kilometer per hour into meter per second. How many meter per second in a 1 kilometer per hour? कैसे conversion करेंगे देखिए. ठीक है? जैसे as we know that 1 kilometer is 1000 meter and 1 hour is equals to 3600 seconds. Dono equations ko divide kare to 1 kilometer divided by 1 hour is equals to 1000 divided by 3600 meter per second. Theek hai to ye ho gaya 1 kilometer per hour is equals to this is 5 by 18 meter per second. So 1 kilometer per hour is equals to 5 by 18 meter per second. 1 hour में 3600 seconds कैसे हुए देखिए 60 × 60. 1 hour is equals to 60 minute and 1 minute is equals to 60 seconds. So it will be 60 × 60 3600 seconds. तो आपका speed time कितना हो गया 3600 second और distance कितना है 1 kilometer that is 1000 meter. तो आपका दिस इज 1 किलोमीटर पर आवर मींस 5 by 18 meter पर सेकेंड. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपको स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर. नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू कन्वर्ट इनटू द मीटर पर सेकेंड. तो क्या करेंगे जो भी स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है यू जस्ट मल्टीप्लाई दैट स्पीड विद 5 by 18. तो ये 18 से 36 कैंसिल हो गया 2 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 × 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड. तो 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है जैसे सपोज स्पीड दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है
So how to convert this 72 kilometer divided by 5 by 18, that is 20 megapascals. सबके लिए एप्लीकेबल होगा। यदि आप किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो 5 बाय 18 से आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्पीड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 5 बाय 18 मीटर पर सेकंड। नाउ इसका रेसिप्रोकल कन्वर्जन करना है, जैसे कन्वर्ट 1 मीटर पर सेकंड इनटू द किलोमीटर पर आर। 1 मीटर पर सेकंड को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है। तो यू जस्ट रेसिप्रोकल द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू 18 बाय 5 किलोमीटर पर आर, कितना हो जाएगा 18 बाय 5 किलोमीटर पर आर। जैसे आपको स्पीड दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर में। सो यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस 15 मीटर पर सेकंड बाय 18 बाय 5, ठीक है। तो ये 5 3 = 15, 18 into 3, that is 54 kilometer per hour. So your 15 meter per second is equals to 54 kilometer per hour. So these are the two important conversion, conversion of kilometer per hour into meter per second, or conversion of meter per second into the kilometer per hour. ठीक है? This kind of conversion is required when speeds of a vehicles or speed of objects are given in a different units. जैसे दो objects हैं, एक मतलब एक particular object है, उसका एक बार speed आपको kilometer per hour में दे दिया, एक बार meter per second में दे दिया, या time minutes time आपको second में दे दिया, speed आपको kilometer per hour में दे दी। So जितने भी physical quantities हैं वो एक ही unit में होनी चाहिए। तो यदि आपको kilometer per hour में दे रखी है तो you just convert them into the meter per second. मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और फिर बाकी सारी रिक्वायर्ड कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे। इज दैट क्लियर? सो दैट इज अ कन्वर्जन ऑफ स्पीड विच एक्सप्रेस इन अ मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आर। इंटर कन्वर्जन किया है इन दोनों का। एनी डाउट इन दैट पार्ट? आगे चले हम लोग। हेलो, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट मोशन पैरामीटर, दैट इज एक्सेलरेशन। This is the last fifth motion parameter to describe the motion. And how can we define acceleration of an object? It is equal to rate of change of velocity of an object with respect to time. या फिर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ सिंबल फॉर एन एक्सेलरेशन इज ए। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करें, एक्सप्रेशन क्या होगा? Acceleration is change in velocity upon time taken. Now we derive its mathematical expression. Suppose at t is equals to 0, at the starting of motion, if I am saying that an object has an initial speed, initial velocity u meter per second, after the time t, its velocity becomes v meter per second. यानी during the starting of motion, यदि vehicle का speed या object का speed मैंने क्या consider किया, u meter per second.
after the time t, if the velocity becomes v meter per second, then the change in velocity is v minus u, and the time taken is t minus 0. So acceleration is the ratio of change in velocity upon time taken. So acceleration is v minus u upon t. So that is the expression of an acceleration. Acceleration is change in velocity upon time taken. Change in velocity upon time taken. ठीक है, अब what is SI unit? Now velocity is always expressed in meter per second. So change in velocity आपका हो जाएगा meter per second divided by second, क्योंकि time second में है. So it will be meter per second square. या फिर it is also known as ms minus 2. Meter per second square और ms minus 2. माइनस टू क्या लिखा, क्योंकि सेकंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, उसको न्यूमरेटर में लाने के लिए हमने क्या किया, एक्स पावर जो है वो माइनस टू कर. तो ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एम एस टू द पावर माइनस टू. और एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज दिस, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ऐसी क्वांटिटी है ये वेक्टर. So this is our fifth motion parameter, acceleration, that is change in velocity per unit time of an object. SI unit होगा meter per second square, और ये कैसी quantity है, vector quantity. कैसी quantity है, vector quantity. ठीक है, now how to calculate the acceleration numerically. This is a related question, I suppose. This is a car increases its velocity from 18 km per hour to 54 km per hour in 5 seconds. A car increases its velocity from 18 km per hour to 54 km per hour in 5 seconds, calculate its acceleration. Now, how to calculate its acceleration? Again, initial velocity kitna hai? That we express in a u, 18 km per hour. Now, aapko time second mein diya hua hai. So, either you convert the time in hour, either you convert the speed into the meter per second. ठीक है, तो आप कोशिश ये करिए कि स्पीड को हमेशा मीटर पर सेकंड में ही रखिए. तो ये हो जाएगा 18 into 5 by 18. So 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, इट इज 5 मीटर पर सेकंड. नाउ वेलोसिटी इज 54 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 54 into 5 by 18. 18 से ये कैंसिल होगा 3, सो इट इज 15 मीटर पर सेकंड. So initial velocity is 5 meter per second, final velocity is 15 meter per second, and the time taken is 5 seconds. So acceleration is v minus u upon t. So 15 minus 5 upon 5. So it will be 10 upon 5, that is 3 meter per second square. Acceleration is what? 3 meter per second square. Is that clear? तो यहां आपका acceleration क्या आया? Positive आया, क्योंकि time के साथ object अपनी velocity क्या कर रहा है? Increase कर रहा है. 5 second में उसने अपना speed 18 से 54 किया. So acceleration क्या हुआ? Change in velocity positive. So acceleration is positive. Now same variety of question. Now we discuss. Suppose a car decreases its velocity from 72 km per hour to 0 km per hour
इन 10 सेकेंड्स. अ कार डिक्रीजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 72 किलोमीटर पर आवर टू 0 किलोमीटर पर आवर इन अ 10 सेकेंड्स. कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन. नाउ इन दिस क्वेश्चन इनिशियल वेलोसिटी इज 72 एंड फाइनल वेलोसिटी इज 0. इनिशियल वेलोसिटी इज 72 एंड फाइनल वेलोसिटी इज 0. सो इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेंगे, 72 किलोमीटर पर आवर. सो हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू द मीटर पर सेकेंड, 72 इनटू 5 बाय 18, क्योंकि इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये हो गया 72 इनटू 5 बाय 18, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. और फाइनल वेलोसिटी आपका 0 किलोमीटर पर आवर है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 0 मीटर पर सेकेंड. और टाइम टेकन आपका कितना है, 10 सेकेंड्स. So again acceleration is a is equals to v minus u upon t. So acceleration कैसे calculate करेंगे, 0 minus 20 upon 10. So it will be minus 20 upon 10. So it will be minus 2 meter per second square. So in this question acceleration comes negative. Acceleration क्या आया, negative आया. क्यों negative आया, क्योंकि time के साथ velocity क्या हो रही है, decrease हो रही है. क्या हो रही है, decrease. So two variety of question we have discussed. पहली variety जिसके अंदर time के साथ velocity बढ़ रही है, दूसरी variety जिसमें time के साथ velocity decrease हो रही है. तो जब velocity time के साथ बढ़ेगी तो acceleration positive होगा, और जब velocity time के साथ decrease होगी, at that situation acceleration is negative. Is that clear? Any doubt in that part? अब तक कोई डाउट एक्सेलरेशन वाले सेक्शन में? भव्य मिश्री, एनी डाउट? इस पैरामीटर्स अभी हमें एक्सेलरेशन का क्लासिफिकेशन करना बाकी है, ठीक है. तो अभी जो मैंने दोनों न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं एक्सेलरेशन के, ठीक है, उसी के बेसिस पे एक्सेलरेशन के टाइप्स हम डिस्कस करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो दो तरीके का क्लासिफिकेशन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड. दो तरीके का एक्सेलरेशन होता है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन. नाउ अभी हमने जो लास्ट दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करी, उसमें हमने क्या बोला, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, एज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन. हमने एक्सप्रेशन क्या पढ़ा, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी. So if the velocity, final velocity is more than initial velocity, when the final velocity is more than initial velocity, then the change in velocity is more than zero, then acceleration is more than zero, and acceleration kya ho jayega, positive. But when the final velocity is less than initial velocity, then the change in velocity is negative, then acceleration is negative. So acceleration is negative, and negative acceleration is also known as retardation. Negative acceleration itself also known as retardation. ठीक है, अब जो हमने last question जो discuss किया था, in which the car is decreases its velocity is from 72 km per hour to 0 km per hour, in that question
एक्सेलरेशन इज माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बट रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. व्हाई रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? बिकॉज़ द रिटार्डेशन इटसेल्फ अ मीनिंग ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन. रिटार्डेशन टर्म का मतलब ही क्या होता है कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन पूछ रहा है. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड क्या होगी? नेगेटिव एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड होगी आपकी 2. रिटार्डेशन का खुद का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बट रिटार्डेशन इज माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन दो तरीके का होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है. और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज सिमिलर टू द स्पीड एंड वेलोसिटी. जैसा हमने स्पीड और वेलोसिटी को क्लासिफाई किया था वैसे ही एक्सेलरेशन को क्लासिफाई करें. तो वन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अगेन क्लासिफाइड इनटू एवरेज एक्सेलरेशन. So how can we define a uniform acceleration? Acceleration of an object is said to be uniform. Uniform matlab constant. Any acceleration aapka a jo hai wo kya hoga? Constant kab hoga? When equal change in velocities take place in an equal interval of time. यानी क्या हो रहा है? आपका change in velocity क्या हो रहा है? Equal interval में equal change in velocity हो रहा है. देखिए जैसे हमने speed और velocity के लिए numerical example लिया था, वैसे यहाँ पर भी आप चाहें तो इसको example के through discuss कर सकते हैं कि यहाँ time ले लें या वेलोसिटी ले लें और यहां एक्सेलरेशन ले लें. ठीक है. इनिशियल मैंने 0 सेकंड पर वेलोसिटी लिया फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है. और मेरा 5 सेकंड के बाद मेरा वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकंड. सो चेंज इन वेलोसिटी मेरा कितना आया? 20 माइनस 10. और टाइम इंटरवल मेरा कितना है? 5 माइनस 0. सो 10 बाय 5 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब मैं बोल रहा हूं कि अगले 5 सेकंड में मेरा वेलोसिटी फिर बढ़ के कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकंड. सो दिस टाइम माय चेंज इन वेलोसिटी इन द नेक्स्ट 5 सेकंड अगेन कितना हुआ? 30 माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 5. सो दिस टाइम अगेन 10 बाय 5 यानी कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो क्या हो रहा है? आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है. इक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. चेंज इन वेलोसिटी आपका क्या है? इक्वल है तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बट इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहां नेक्स्ट 5 सेकंड में आपका वेलोसिटी इंक्रीज होकर कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकंड. नाउ चेंज इन वेलोसिटी इज 40 minus 20 upon 10 minus 5. So it will be 20 by 5. In acceleration kitna aa gaya? 4 meter per second square. So aapka acceleration kya hai? Variable hai. Kya hai? Variable hai. Pehle 2 tha, ab badhke kitna ho gaya? 4 ho gaya. To wo acceleration kaisa hoga? That acceleration is non-uniform acceleration. तो यदि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जब आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल है यानी टाइम के साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है. क्यों? क्योंकि अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है. अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. सो हाउ कैन वी डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ unequal change in velocity take place in an equal interval of time. तो वो acceleration कैसा हो जाएगा? Non-uniform acceleration.
एंड जब भी आपका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा उस केस में हम क्या करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे एंड दैट इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी देखिए इस सिचुएशन में, इस डायग्राम के अंदर देखें तो आपकी 0 सेकंड पे वेलोसिटी थी 10 और 10 सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी है 40, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ 30 और टोटल टाइम आपने कितना लिया, टोटल टाइम आपने कितना लिया, टोटल टाइम यू हैव टेकन 10 सेकंड। सो 40 माइनस 10 अपॉन 10 सो इट विल बी 30/10 तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड। सो व्हाट विल बी द एवरेज एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड। सो दैट इज द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसमें मेनली क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है राइट द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, राइट द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन इज motion of an object is said to be uniform if the equal distances traveled by object in an equal interval of time, to wo ho gaya uniform motion, and uniform accelerated motion means equal change in velocity take place in an equal interval of time, then motion of an object is said to be uniform accelerated motion। uniform motion jo hai wo uniform speed se relate hota hai और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन दैट इज रिलेटेड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट द ऑल द 5 मोशन पैरामीटर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।